जय श्री राम पवन सिंह का नया गाना। जी हाँ, महादेव के मतवाले अभी होश में आए नहीं थे कि पवन सिंह ने श्री राम की धुन, जी हाँ श्री राम की धुन बजा डाली। आइए अब आपको हम बताते हैं कि आपको स्पेशल भोजपुरी की एक मुहिम के साथ कैसे जोड़ना है हमें। तो जय श्री राम, जी हाँ जय श्री राम करके आपको एक कमेंट करना है सभी को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इसका पहला कमेंट होगा वो बंदा जिस सुपरस्टार पर कहेगा जैसी स्टोरी कहेगा उसे वैसी स्टोरी उसके दूसरे दिन जिस मुद्दे पर कहेगा। वो बंदे को ये भी कह दें हम कि अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने के बाद ये कह दे कि उसे किस सुपरस्टार पर अपना जो है स्टोरी सुननी है, उसके बारे में जानना है, जो भी जानकारी जैसी भी जानकारी हम उसके लिए पक्की अक्षरशः पक्की जानकारी लेकर आएंगे। तो ये जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जय श्री राम लिखिए, जिसका पहला कमेंट होगा उसके लिए एक ऑफ़र ये है कि वो बंदा जिस पर कहेगा स्टोरी उसके मन मुताबिक उस दिन होगी और स्टोरी में उसका नाम भी लिया जाएगा। जी हाँ, स्टोरी में स्पेशल भोजपुरी चैनल की तरफ से उस बंदे का नाम लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये एक मुहिम के तहत था। तो चलिए तैयार हो जाइए। और हाँ, जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि आपको हमने ये तो बताया ही नहीं कि गाना कब रिलीज़ हो रहा है। तो गाना कल ही रिलीज़ हो रहा है, जी हाँ जल्द ही कल ही रिलीज़ हो रहा है गाना जय श्री राम, यानी जिस दिन सावन समाप्त राम धुन की धुन शुरू लग जाएगी, पर्व शुरू हो रहा है 5 तारीख को। क्योंकि भाई हर लोग इस पर्व में पूरी तरह से अपने आप को रमा देना चाहते हैं। तो जल्द ही आपने अक्षरा का देखा होगा, रितेश का गाना देखा होगा, अब पवन का गाना सुनेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।